राम राम जी। मैं आपका अपना गुलजार छानने वाला, और आप सबसे कुछ बात करनी थी। अभी 2 दिन पहले सिद्धू भाई का जो मर्डर होया है, एक बहुत बड़ा घाटा है एक तो इंडस्ट्री में, जो कदे पूरा नहीं हो सकता। और हर कलाकार के मन में एक सदमा सा बैठ रहा है। मेरा खुद का भाई ने बताई फोन पर क्या न्यू न्यू है, मेरा कई बार तो यकीन ही नहीं आया भाई साहब। मैं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और दो दिन आते बस यो ये सोचने लाग रहे हैं कि यकीन सा नहीं होने लाग रहे इस बात का कि इतने बड़े कलाकार ने इस तरीके की घटना हो जाए उस गेल। मैंने ज्यादा महसूस इस कारण होने लग रही है क्योंकि ऐसी हम चीज मेरे गल होली पहला, वो तो मेरी किस्मत थी मैं बच गया। और जब ये चीजा हुई तब कार्रवाई भी हुई, यानी कि कार्रवाई नहीं हुई बट सिक्योरिटी वाली बात ही मेरा डी थी भाई। 2-4 दिन बंदे रहे थे, उसके बाद चले गए थे। गांव क्या ने कहा अभी कि गुलजार तो सिक्योर नहीं है, तने कहना चाहिए प्रशासन थी। मैंने गिना आगे अर्जी लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर मैंने गांव में छोड़ना पड़ा भाई, क्योंकि आज जब सिद्धू भाई के माँ बाप की हालत देखा ना तो भाई साहब खालसा फटा है। इसे चीज का डर लग गया हर टाइम। कई बार डरना पड़ जाए भाई साहब, ना चाहते हुए भी डरना पड़ जाए, झुकना पड़ा है कई बार। परिवार दिख गया अगला, कहीं ना लगता होगा कलाकारा की जिंदगी कितनी आसान है, कितनी बढ़िया है, किमें करना नहीं, किमें और नहीं दो गीत गा कर ले इनके तो नहीं पीछे आ जाए हैं। एक बार हमारी जिंदगी जी क्या देखो, एक मोड़ पे भी जावा है ना तो भी डर लग गया जाए। अरे यो जो होया है ना तो इसके बाद तो जमाए जमाए सदमा बैठ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ के गावा के नहीं, के लिखा के नहीं, कौन सी बात किसका चुप जिया, कद कोई कड़ा का गोली मार जिया भाई साहब। किमें नहीं बेरा, किमें नहीं बेरा। आजकल तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत आसान हो गया बंदा मरना। हम भी इंस्पायर होया करते कि यार इतना बड़ा कलाकार वो भी गांव में रहा है, उसने कोई कुछ नहीं कहता। देखो दिलेर है पूरा, हम भी गांव में रहा, क्या दिक्कत है। और आज जब उस बंदा के नहीं हुआ है ना तो मेरे मेरे नहीं, हर कलाकार का डर सा बैठ गया मन में। परिवार ने उनका देखा है ना, न्यूज में भी देखे थे, तो वह चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे घर क्या गए गेल जी होगी तो क्या होगा, कदे इमेजिन भी नहीं कर सकते। डर लग गया वहां इमेजिनेशन सोच के। कोई हल होना चाहिए इस बात का, प्रशासन ते सरकार ते मेरी विनती है या कि कुछ करो इस बारे में। नेता कोई बालक आगे कलाकार बनाएगा ही नहीं, कितना ही टैलेंट हो उसमें वो आवेगा ही नहीं। मैं भी आया था ना, मेरी माँ ने कहा था बेटा तू नाम तेरा बड़ा हो जाएगा ना, उरे मरवा दे हैं, मरवा दे उरे, ज्यादा चढ़ाई होती दिखे ना मरवा दे बेटा उरे। पर मैं बोले नाम आई जाओ है कोनी नहीं उन्हों करके, और कि मैं तारा प्यार था जो आज कलाकार बन गए। और इसी खबर सुना है ना तो न्यू सोचा यार माने सही कही थी उस टाइम पे ना कि मैं और काम कर लेते, कलाकार नहीं बनना था, गलत कर लिया, गलती कर दी हमने, गुनाह कर दिया। कोई
उस माँ का हाल देखा ही नहीं जाता। उस बार बार इंस्टाग्राम और कुछ भी खोल लो आगे उस माँ बापू की फोटो देखा ना, वे रोंदे दिखे हैं। अरे कर्जा फटा भाई साहब, बहुत भय हो गया, सदमा हो गया, यकीन भी नहीं होता। वो इतना दिलेर बंदा, किसे तो आज तक डरिया नहीं। उस तो इतना इंस्पायर होया करते हम, सारा यूथ इंस्पायर होया करता था उस बंदे थे। और उसकी गल जब न्यू होती देखी ना, जब हम तो भाई साहब कुछ भी नहीं है इबे, इब तो न्यूट्रल आ गया। फेमस ना हुआ तो ठीक है भाई साहब, रोटी रोटी राटी साले जाने थोड़ी बहुत, बस बहुत है, इतना बहुत है। गांव में भी जावा तो भी डर लग गया है, खुद के गांव में, खुद के गांव में भी जावा ने तो भी डर लग गया है कि मेरा करता कि आज केले का आज माँ बाप तो दूर रहना पड़े है उन तो दूर, इस खातर भी उन उनके बारे में भाई सोचना पड़े है। कल नहीं इसी बात होगी तो उन पर कोई खतरा ना आवे, इस खातर रहना पड़े है दूर। घना दुख भी हुआ है कि यार किसा काम होया, यो किसा काम होया जो इस तरीके से कैद में रहना पड़े है। कोई हल करो, प्रशासन तो सरकार तो यह विनती है कुछ करो इस बारे में। बाकी बस क्या कहा, कुछ कहना सही नहीं। कुछ एक बस मन में थी मेरा कि मेरे के लिए भी हुई थी, मैं तो चलो बच गया था, मगर वो भाई बेचारा नहीं कर पाया, फिर भी मुकाबला करके अमर होया है छोरा। उस बंदे की यह बात हमेशा दिल में रहोगी, जो कदे डरिया नहीं किसी तय, किसी तय नहीं डरिया वो बंदा, सीधा गाया करता है थप्पी मार के स्टेज पे, चाहे फुटा गाबरू मैं कुछ देखा कर दे क्या कर दे। हाँ कलाकार है छोरा, बोल में दम थार के गया किसी का, और उस माँ बापू का तबाह सुननी हवेली रहेगी, उनने देखेंगे उस छोरे की याद आवेगी, वो पूरा गाड़ी चलाया करता, पूरे लिखा करता, ट्रैक्टर चलाया करता, याद दे रह जाए आगे तेने कदे भी किसी भी बेटा का करो ना, जो भी भाई खार खांदा हो किसी ते भी, और इसी को कार्रवाई करने की सोचता हो तो भाई उसका माँ बाप का जरूर गोली मारेगा ही होगा ने, क्यों बाद में उन वे जिंदा लाश हो जाए। छोरा मेरे पास के है कुछ नहीं है, के कराए घर का कमा, के करेंगे उसका गाड़ी घोड़ा के करेंगे भाई, वे उन्हें भी मारना जरूरी है, फिर मरना आसान है उन खातर जो जिंदा लाश बन के बैठने ते तो करने। राम राम।